Hey guys, this is my YouTube channel. Welcome back. Before we start, make sure you click on the subscribe button. Let's start. दोस्तों आप इस वीडियो में आ चुके हो, 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तो इस वीडियो को है जो 5 से 7 मिनट की वीडियो होने वाली है, पूरा देख लीजिएगा। रीचेकिंग और रिवोल्यूशन में कैसे मार्क्स बढ़ाने हैं, क्या क्या डेट हैं, इसकी इंपॉर्टेंट लास्ट डेट क्या है, इसकी फीस क्या है, किस सिचुएशन में मार्क्स घटते हैं रीचेकिंग रिवोल्यूशन और रिटोटलिंग में, किस प्रकार से मार्क्स बढ़ते हैं, उसके बाद जो जब अपन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर कौन कौन सी जो मेन थिंग्स होती है वो अपनी करेक्ट होनी चाहिए, या फिर है जो अगर आप घर पे ही कॉपी मंगवाते हो तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है, बिल्कुल जो भी RBSE 10th क्लास का जो रिवोल्यूशन और रीचेकिंग का जो फॉर्म है 2020 का, उसी से संबंधित मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप रिवोल्यूशन या फिर रीचेकिंग का जो फॉर्म भरने वाले हो, ठीक है, तो आज जैसे ही आज रिज़ल्ट आया तो उसके बाद से हैं जो आप लगभग 10 दिन के अंदर अंदर इसका है जो आप रिवोल्यूशन या फिर रीचेकिंग का फॉर्म आप भर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या आप वो बिल्कुल सही होगा कि मतलब आपने रिवोल्यूशन या फिर रीचेकिंग का जो फॉर्म भरा तो उसमें क्या आपके मार्क्स बढ़ ही जाएंगे, उससे संबंधित भी मैं आज आपसे यहाँ पर बात करने वाला हूँ दोस्तों। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा आपसे, अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब बटन यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताऊँगा, उनको आपको फॉलो करते हुए उसी पटरी पर आपको एक प्रकार से चलना होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूं कि जितने भी जो सारे के सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके मार्क्स जो हैं वो अलग अलग आते हैं, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हैं जो आपको, सबसे पहले तो मैं इसकी बेसिक डिटेल बताऊं कि जो इसकी फ़ीस जो रहेगी वो लगभग 500 के आसपास रहेगी, ठीक है, रिवोल्यूशन और रीचेकिंग की। उसके बाद इसकी जो डेट रहेगी 10 दिन तक आप इसको, रिजल्ट के 10 दिन बाद तक आप इसे फिल कर सकते हो, और 10 के बाद अगर 11, 12, 13 और 14 और 15 5 दिन हैं जो इसके लेट फीस के लगते हैं दोस्तों, ठीक है। 5 दिन बाद आप लेट फीस लगाकर भी आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको अगर रिवोल्यूशन या रीचेकिंग का फॉर्म भरना हो तो आप जल्दी से जल्दी ही अप्लाई कर दीजिएगा, इसके लिए सोचिएगा नहीं, लेकिन वीडियो को पूरा देख के ही अप्लाई करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थिंग्स मैं बताने वाला हूँ, जस्ट इन इंग्लिश की जो ब्रांचेज है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, चाहे MP बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, चाहे उत्तर प्रदेश कोई सी भी बोर्ड हो, CBSE हो, RBSE 12th का जो रिजल्ट आया था उसमें भी हमने हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प की थी, और हम यहाँ पर हैं जो अभी यहाँ पर आए हैं कि जो RBSE 10th का रिजल्ट है, जो 10th के स्टूडेंट्स की भी यहाँ पर हेल्प की जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर मैं बता दूँ, हमारी जो आपके जो मार्क्स है वो सबके अलग अलग रहते हैं, इस टॉपिक पर अपन बात कर रहे थे, तो मार्क्स जो हैं आपको वो कंप्लीट जो मार्क्स है आपके, वो कंप्लीट मार्क्स विद सब्जेक्ट वाइज आपको कंप्लीट मार्क्स जो हैं नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद में है जो आपको एक प्रकार से सलाह लेनी है कि इन मार्क्स के एल्गोरिथम के अनुसार, कि जो आपके मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और आपको कमेंट में लिखना है कि भाई इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है और कॉन्फिडेंस इस सब्जेक्ट में है, ठीक है, वो चीज़ आपको वहाँ पर लिख देनी है। फिर हम आपका कमेंट जो है, हमारी जो टीम है एक प्रकार से RBSE जो एक्सपर्ट हैं रिवोल्यूशन और रीचेकिंग डिपार्टमेंट से, जो एक्सपर्ट हैं हमारे स्वयं के जस्ट इन इंग्लिश टीम के, उनके पास से हैं जो आपका कमेंट आएगा, और मैं खुद आपके कमेंट को रिव्यू करूँगा। मुझे अगर ठीक लगता है आपके जो नीचे वहाँ पर भाई कमेंट में आपका मुझे ठीक लगता है कि भाई रिवोल्यूशन ठीक रहेगा या फिर रीचेकिंग ठीक रहेगा या फिर रिटोटलिंग ठीक रहेगा या फिर आपके जो है कॉपी जेरोक्स मंगवाना ठीक रहेगा, विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर अस अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कौन सा सूटेबल रहेगा, इंक्रीज होने के चांस, मार्क्स बढ़ने के चांस किस में रहेंगे, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ, कमेंट आपको तब ही करना है जब आप सब्सक्राइब बटन दबा लो, सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद ही कमेंट करना है, अन्यथा जो हमारी टीम है वो देखती रहती है कि रिसेंटली किसने सब्सक्राइब किया है और रिसेंटली किसने है जो कमेंट किया है। और अगर आप हमें भी ऐसा कुछ सब्सक्रिप्शन देते हो
तो यहाँ पर है जो आपके मार्क्स जो है बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो हमारा ऑफिशियल डिपार्टमेंट है वो आरबीएससी 10th का रिवोल्यूशन और रीचेकिंग डिपार्टमेंट्स में हमारे बिल्कुल एक्सपर्ट्स ही एक्सपर्ट्स हैं। लगभग 15 मेंबर की हमारी ये टीम है, 15 मेंबर्स की हमारी ये टीम है जो इनके अंडर रिव्यू रखती है इनको, रिवोल्यूशन और रीचेकिंग को। और यहाँ पर है जो आपको मैं थोड़ी सी और एडिशनल नॉलेज बता दूं, आप जब रिवोल्यूशन और रीचेकिंग का फॉर्म भरोगे तो आपके पास जो है आपके पास रहना चाहिए आप तो एक तो मोबाइल नंबर आपका, और उसके बाद आपको अपना नाम और अपने फादर्स नेम और अपने मदर्स नेम, और उसके बाद आपको जिस सब्जेक्ट में रिवोल्यूशन या फिर रीचेकिंग फॉर्म भरना है उस सब्जेक्ट का आपको वहाँ पर डिटेल देना होगा पेपर कोड के सहित। पेपर कोड जानते होंगे, एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट से पहले पेपर कोड आते हैं, वो आपको फिल करना होगा वहाँ पर, और उसके बाद ऑनलाइन ही फी आपको वहाँ पर लगवानी है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्या रिवोल्यूशन में मार्क्स कटते हैं या फिर घटते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी राइटिंग स्किल के ऊपर कि आपने किस प्रकार से वहाँ पर लिखआउट की थी और आपने किस प्रकार से वहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर है जो उनके ऊपर है आपने परफॉर्मेंस किया था। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ रिवोल्यूशन और रीचेकिंग में जो है डिफरेंस यही होगा कि रिवोल्यूशन में आपके जो मार्क्स की गणनाएं हैं वो एक बार एक रिवेल्यूएट की जाएगी, उनका आकलन लगाया जाएगा, जबकि रीचेकिंग का मतलब होता है कि आपके जैसे कोई किसी क्वेश्चन को चेक हो रहा हो और मार्क्स नहीं दिए गए हैं, स्किप कर दिया गया हो आपका क्वेश्चन, तो वहाँ पर मार्क्स एड करके आपके हैं जो रीचेकिंग की जाएगी दोस्तों। ये डिफरेंस होता है रीचेकिंग और रिवोल्यूशन में। रिटोटलिंग में आपके मार्क्स जो हैं केवल दोबारा गिने जाते हैं केवल, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इससे संबंधित तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कुछ इस प्रकार की हेल्प करूँगा कि जो एक प्रकार से आप भी शायद चौंक रह जाओगे। तो आपको मैं एक बात बता दूँ, सबसे लास्ट में सब्सक्राइब बटन दबा के ही आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, उसके बाद विद इन 15 मिनट के अंदर अंदर, लगभग 15 मिनट के अंदर अंदर हैं जो आपको हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको वहाँ पर एडवाइस देंगे या फिर सजेस्ट करेंगे आपको वहाँ पर एकदम अच्छे प्रॉपर वे में। फिर उसके बाद आपको है ये क्या करना है, आपको रोल नंबर भी वहाँ पर अपने सेंड कर देने हैं और आपके कॉन्टेक्ट नंबर भी वहाँ पर सेंड कर देने हैं अगर आपको मार्क्स इंक्रीज ही करवाने हैं तो, क्योंकि हम उसी प्रकार से फिर उसको हैं जो सलाह देते हैं भाई भरना है या फिर फॉर्म भरना भी नहीं है, ठीक है। वो सारी की सारी डिटेल्स हैं वो हम आपको कॉन्टैक्ट नीचे कमेंट में बॉक्स में बता देंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा और जल्दी से कमेंट कीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल सामने लेकर आइएगा, हम आपका सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रॉम टीम जस्टिन।